गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा मैटर एंड सराउंडिंग। जो पहले 6 क्वेश्चन है वो पहले वाले वीडियोस के अंदर हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गिव रीजन, कि हमें कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होगी उसका हमें रीजन बताना है, ठीक है। ए पार्ट का लिखा उसका, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली, कम्प्लीटली इसको बोलते हैं पूरी तरह से। तब वेसल, वेसल किसको बोलते हैं, किसी भी बर्तन को या फिर कंटेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बर्तन या फिर कंटेनर एक बात। इन विच इट इज कैप्ट, कि जिसके अंदर इसको रखा जाता है ना, उस बर्तन को या फिर उस वेसल को, ये क्या पूरी तरह से फिल कर देता है, पूरी तरह से भर देता है, ठीक है, ये है। तो अब इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी भी गैस को किसी भी बर्तन के अंदर रख रहे हैं, छोटा बर्तन है चाहे बड़ा वेसल है, उसके अंदर रख रहे हैं ना, तो उसको क्या करता है, पूरी तरह से भर देता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एंड नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम बात करें ना गैस की, तो हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कोई भी फोर्स होता ही नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स जो एक पार्टिकल्स को दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखे, जोड़ के रखे, ऐसा कोई उनके अंदर फोर्स नहीं होता, और उस फोर्स को हम बोलते थे इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वो उसके अंदर होता ही नहीं है। दो रीज़न हो गए, एक गैस कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट, इसीलिए जो एक गैस है वो उस कंटेनर को या फिर उस वेसल को पूरी तरह से क्या कर देती है, फिल कर देती है। या फिर अगर बात करें कि अगर उसको एक वेसल के अंदर अगर आप रख रहे हैं ना, तो उस वेसल में पूरी तरह से फैल जाती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया उसका, इसी का है बी पार्ट, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने पहले ही बोला था कि कंटेनर भी बोल सकते हैं आप, वेसल भी बोल सकते हैं, कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर एक गैस है, तो वो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसकी जो वॉल्स है ना, जो उस कंटेनर की जो दीवारें हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है, एक्सर्ट करेगी प्रेशर, तो उसका भी क्या रीज़न है, उसका भी सेम रीज़न है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, रुकते नहीं है, हमने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकेंड, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। एक गैस कम्प्लीटली फिल्स द कंटेनर, जो एक गैस होती है वो उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देती है, इन जिसके अंदर इसको रखा जाता है, एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसीलिए जो कंटेनर होता है उसकी दीवारों पे क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, प्रेशर जो होती है एक्सर्ट करती है। दोनों पार्ट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, सी पार्ट है सेवन क्वेश्चन का, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, एक वुडन टेबल है, वुडन क्या होता है लकड़ी, और टेबल मेज की, जो लकड़ी की मेज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड भी बोल सकते हैं, तो उसका हमें रीज़न बताना है। सॉलिड की हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कि सॉलिड क्या होता है, कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसकी जो शेप है वो फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, और उसके बाद जो कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होता, वो रिजिड होता है, इस तरह से होता है ना, तो कोई भी मैटर होता है उसको हम सॉलिड बोलते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज इसके अंदर लिखनी है, क्या लिखनी है, वुडन टेबल should be called a solid because first point क्या लिखेंगे इसका,
it has fixed volume, third particle, it is not compressible. मैंने सिर्फ तीन पॉइंट्स लिखे उसके अंदर कि जो शेप होती है उसकी फिक्स होती है, जो वॉल्यूम होता है उसका फिक्स होता है, और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना उसको जो हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको प्रेस कर सकते हैं, जो सॉलिड के केस की बात करें तो उसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते. इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल. आगे भी हम लिख सकते हैं जैसे इट इज़ रिजिड लिख सकते हैं हम, इट हैज़ फिक्स साइज, इस तरह से. ठीक है, आगे नेक्स्ट है उसका डी पार्ट. होता ही नहीं है तो
चीज़ है कि बट देर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वुड, लेकिन जो स्पेस होता है जो लकड़ी के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर स्पेस होता ही नहीं है। तो फिर अब उसके बाद हम क्वेश्चन कर लाइन लिखते हैं, देयर फोर वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं हमारा हाथ हवा के अंदर ईजिली मूव करवा सकते हैं। बट टू डू द सेम प्रोसेस सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, लेकिन अगर हमें यही सेम प्रोसेस लकड़ी के ब्लॉक के साथ करनी है तो हमें क्या होना पड़ेगा, कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर इतना ही है, आगे है क्वेश्चन नंबर एट तक। ये हमने अपने चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस
रख लिया पहले हमने, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो दो तरह से चेंज कर सकते हैं हम। पहले कौन सी, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके यानी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके, और सेकंड क्या है, बाय अप्लाइंग प्रेशर यानी प्रेशर अप्लाई करके। ये सभी क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।